बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का मेगा रोड शो आज पटना में होना है और इसके लिए तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस तरह के बेहद हाईटेक रथ पे अमित शाह जो हैं वो पटना की सड़कों पे निकलेंगे। कदम कुआं से ये रथ जो रोड शो है वो शुरू होगा और पटना के कारगिल चौक तक जाएगा। ये रविशंकर प्रसाद का चुनावी क्षेत्र है जहाँ से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए कि फिर एक बार मोदी सरकार का स्लोगन है अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जो पूरी विंग है उसकी तस्वीर इस रथ पे लगी हुई है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो लोग मौजूद होंगे और इस तरह के कई रथ जो हैं वो बनाए गए हैं। शाम के वक्त में ये जो पूरा मेगा रोड शो है वो शुरू होगा। खास बात ये कि इस रोड शो के सहारे बीजेपी पटना के अंदर में एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन बहुत लंबे वक्त के बाद कर रही है और मुझे याद है शायद कई सालों बाद पटना के अंदर में कोई रोड शो होने वाला है। संजय मयूख जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। संजय मयूख जी, रोड शो है, तैयारियां किस तरह की हैं और किस तरीके से लोग पहुंचेंगे वहां? देखिए, पटना की जनता का के भावों का प्रकटीकरण है। यह वह आस्था है जो आस्था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, माननीय अमित शाह जी के प्रति और देश के एक विकास को अपनी सहमति देने के लिए यह रोड शो है। यह रोड शो अद्भुत रोड शो के रूप में परिणत रहेगा। लेकिन संजय मयूख जी, जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने रोड शो के लिए जगह चुनी तो जो आपके पूर्व सांसद हैं उनके घर को चुन लिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, यह पटना है, यह पटना की जनता का पटना है। यह वह ऐतिहासिक पाटलिपुत्र है जिसने कई इतिहास रचे हैं। शायद विरोधियों को यह जानकारी नहीं है कि वह धरती लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का भी मकान है। ये धरती देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी कर्मभूमि है। जागीर समझने की कोशिश विपक्षियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि जनता की पटना है और जनता की पटना को कोई जागीर समझने की कोशिश न करे। हर बार ये दिखाया संजय मयूख जी की जो भी रोड शो हुआ है, अमित शाह जी का हो या प्रधानमंत्री मोदी जी का हुआ हो, उसमें जनसैलाब उमड़ता है। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? क्योंकि जिस इलाके को आपने चुना बहुत कॉम्पैक्ट इलाका है, बहुत भीड़ ऐसे भी रहती है, अमूमन कारोबारी इलाका है, बिजनेस हब है पटना का, पुराने पटना का। कितने लोग पहुंचने वाले हैं इस बार? तो क्या आपको लगता है उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए? हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं, हम सेवा भावना से काम करते हैं, तो हम तो जनता के बीच रहेंगे। हम 5-स्टार संस्कृति का विरोध करते हैं तो हम जनता के बीच ही चलते हैं। ऐतिहासिक होगा और मैंने पहले भी कहा कि पटना की जनता का की भावना का प्रकटीकरण होगा। तो बिल्कुल पटना की जो जनता है उसका की जो भावना है उसका प्रकटीकरण करेंगे। और देखिए ये रथ है और यहाँ पे अमित शाह जो हैं इसी रथ के सहारे जो है अमित शाह जो है पटना की सड़कों पे निकलेंगे। बेहद हाईटेक तरीके से इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो लोग इस रथ पे सवार होंगे बीजेपी के खास करके। और देखिए इस तरीके से ये पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको रथ के ऊपर की कि किस तरीके से लोग होंगे और इस तरह के कई दूसरे रथ भी बनाए गए हैं। इन रथों पर भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं पार्टी के जो दूसरे चेहरे होंगे वो लोग मौजूद होंगे। अमित शाह यहाँ पे होंगे, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है का नारा है। और देखिए इस तरफ में जो पूरा रोड शो होगा उसको बेहद हाईटेक तरीके से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा क्योंकि फेसबुक और जो दूसरे प्लेटफॉर्म से वहाँ पर बीजेपी अमूमन इस तरह के मेगा रोड शोज को ब्रॉडकास्ट करती रही है, रैलियों को करती रही है। लिहाजा जिमी जिप है जिससे जो एरियल व्यू है कि मतलब एक्चुअल में जो जब ये रोड शो गुजरेगा तो किस तरीके की भीड़ होने वाली है, किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, इन तकनीक के सहारे से उसको दिखाने की कोशिश होगी। अमित शाह जो है पटना के कदम कुआं से निकलेंगे। कदम कुआं से अमित शाह का जो रोड शो है वो पटना के कारगिल चौक तक जाएगा। देखने में ये दूरी बेहद कम है, करीब 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर की दूरी है पूरी, लेकिन इसको तय करने में करीब जो जानकारी आ रही है करीब 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा। आप समझ सकते हैं कि भीड़ किस तरीके की होने वाली है और लिहाजा तैयारियाँ भी इस मेगा रोड शो के लिए बड़ी की जा रही हैं क्योंकि ये पहला रोड शो है अमित शाह का बिहार के अंदर में जब बीजेपी जो लोग हैं उनसे संवाद स्थापित करने वाली है। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।